हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में किस सेंटर पर कितने कैंडिडेट होंगे, और सबसे बड़ी बात ये है कि 7 से लेकर 15 दिसंबर के बीच जो आपका एग्ज़ाम चलेगा, इसमें किस दिन कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाएंगे, ये भी डेटा आपके सामने देखने को मिलेगा। और कितने एग्ज़ाम सेंटर बने हुए हैं, 7 तारीख को कितने एग्ज़ाम सेंटर हैं, कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फिर 9 तारीख का है, मतलब 6 से 8 वाले जाएंगे, इस दिन कितने कैंडिडेट होंगे एग्ज़ाम देने जाएंगे, और कितने एग्ज़ाम सेंटर बने हैं, और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। जो लोग अभी तक अपना रिजर्वेशन नहीं किए हैं, करा लीजिएगा, और कोशिश करिए कि आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पर एक दिन पहले पहुँचिए, ठीक है, उससे आप ही का बेनिफिट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दूसरे चरण अगर हम बात किया जाए, 7 से 15 दिसंबर तक होगी परीक्षा। बीपीएससी ने पूरी जानकारी दी, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला ये मैं बता दूंगा। देखिए, शिक्षक भर्ती 8.41 लाख देंगे परीक्षा, 8,41,000 देंगे परीक्षा। अभी मैं डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर कि किस दिन कितने अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर आइए, अगर यहाँ पर देखा जाए 7 दिसंबर की अगर बात करूँ तो 6,473 अभ्यर्थी जाएंगे, ठीक है। 3 परीक्षा केंद्र है, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग, ठीक है। फिर 8 दिसंबर को 2,23,506 कैंडिडेट जाएंगे परीक्षा केंद्र, मतलब जो एग्जाम सेंटर बने हैं 396, ठीक है, जिसमें 9वीं 10वीं की बात किया जा रहा है। उसके बाद हम बात करें 9 दिसंबर, 9 दिसंबर यानी 3,11,300 कैंडिडेट पेपर देने जाएंगे, 555 सेंटर बने, यानी सबसे ज़्यादा यहीं पर आपको एग्ज़ाम कैंडिडेट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये 9 तारीख को किसका पेपर है भाई, 6 से 8 वाले की है, याद रखिएगा, 6 से 8 जो भी जूनियर में अप्लाई करने जा रहे हैं उन्हीं का पेपर है, ठीक है। अब अगर 10 तारीख को देखा जाए तो 84,139 कैंडिडेट हैं जो 151 सेंटर पर जाएंगे, वो भी 6 से 8वीं, जिसमें विषय अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू की बात की। फिर 14 दिसंबर को भी है 1,07,263 कैंडिडेट है, जिसमें प्राथमिक के सभी विषय होंगे, जिसमें अनुसूचित जाति होगा, जनजाति होगा, शिक्षा विभाग होगा। अगर 15 दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 109,154, जिसमें से परीक्षा केंद्र होंगे 184, सभी विभाग उच्च माध्यमिक 11-12 की बात किया जाए। सबसे ज़्यादा आपका कंपटीशन देखिए 9 तारीख को, यानी सीटें 3,11,300 कैंडिडेट। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि सर एक सीट पर कितने कैंडिडेट होंगे, एक सीट पर कितने कैंडिडेट हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बता दी है, ठीक है, अच्छे से बनाया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि एक सीट पर कितने कैंडिडेट फाइट करेंगे, ठीक है, चाहे 6 से 8 हो, चाहे 9, 10, 11, 12 या फिर प्राइमरी का। ये इन्फॉर्मेशन देखिए आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि एक अनुमान लग सके कि अभी तक अगर जिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें कंपटीशन कितना है, क्योंकि ये जो अनुमान आप लगाएंगे उसी के बिहा पर आप पेपर अपना सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर अगर हल्के में लेंगे तो रिजल्ट भी आपका हल्का हो जाएगा। इसीलिए बहुत ध्यान से अच्छे से वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं टोटल एग्जैक्ट फॉर्म कितने ने भरा है वो देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई है बीपीएससी के द्वारा। देखिए, शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की परीक्षा 7 से 15 दिसंबर तक होगी। 1,22,252 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में 8,41,835 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है, यह जानकारी मंगलवार को, देखिए मंगलवार को बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था जिसमें सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। 9 दिसंबर को यहाँ पर बोला भी है, 9 दिसंबर को 555 केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी, तो आप एग्ज़ाम सेंटर पर जल्दी पहुँचिएगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता दूँ कि इस समय ट्रेनें लेट होंगी क्योंकि ठंडी का समय, ठीक है। और देखिए यहाँ पर, देखिए अभ्यर्थी को 2.5 घंटे पहले से मिलेगा प्रवेश, यानी आपका एग्ज़ाम अगर 12 बजे है तो 12 से 9:30, 11:30, समझ रहे हैं, 9:30 बहुत होगा, 10 बजे तक आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। 9:30 तो 9:30 के बाद आप एंट्री ले सकते हैं, यानी एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच सकते बैठ सकते हैं। 11 बजे के बाद आप एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री आपको नहीं मिलेगी, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जानकारी आपको देना इसलिए आवश्यक था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं, कमेंट्स किए, पूछे कि सर 9 तारीख को कितने बच्चे जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, ट्रेन टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये आपके पास डेटा है जो आपके सामने बीपीएससी ने रखा है, ठीक है, बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। सो इसमें पूरा डिटेल दिया है कि किस दिन कितने कैंडिडेट हैं, तो इस हिसाब से आपको अपनी रिजर्वेशन तो बुक करना ही चाहिए, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सूचना लाऊंगा जिसमें आपको और भी अच्छा चीज़ें समझ में आएगी। फिलहाल इतना ही, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं मुझसे बिना कोई हेजिटेशन के।
अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम पर कांटेक्ट होकर पूछना चाहते हैं या फिर मैसेज के थ्रू, आप चाहते हैं कि टेलीग्राम पर आप मुझे पर्सनली मैसेज करके कुछ पूछना चाहें पर्सनल, तो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर। ठीक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आपको नॉलेज रिव्यू क्लासेस सर्च करना होगा या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जब जाएंगे तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं मोस्टली सारी चीज़ें वहीं अपलोड कर देता हूँ। इसका जो फॉर्मेट हुआ या फिर कोई वैकेंसी आती है तो ये सारी चीज़ें वहीं पर मिलेंगी, कोई भी टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जॉब्स हो तो वहाँ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आपसे निवेदन है यार, एक लाइक तो जरूर करिए, एटलीस्ट आप लोग देख रहे हैं यहाँ तक, अगर आपने देख लिया तो एक लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।